तो आज के सेशन के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं कि हमारे पास एमएस एक्सेल का जो इंटरफेस है या जो लुक है, फर्स्ट स्क्रीन है, इस इंटरफेस के अंदर जो चीजें हैं वो किस तरह से काम करती है, राइट? ओके, तो हमारे पास इसके अंदर जो ओवरऑल इंटरफेस है, इंटरफेस एक्चुअल में हम पहली स्क्रीन को कहते हैं, जब भी किसी एप्लीकेशन को ऑन किया जाता है उसकी पहली स्क्रीन को इंटरफेस कहा जाता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल विंडोज हम ओपन करते हैं तो उसकी पहली स्क्रीन जो होती है इसको हम क्या कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो इसी तरह से मैं अगर यहां पे एमएस एक्सेल की बात करूं तो इसके टॉप पे जो हमें शो हो रहा है वो क्विक एक्सेस बार है। कौन सा बार है? क्विक एक्सेस बार। इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, इस पे जो मेन्यूज हैं वो आप वो भी रख सकते हैं, अगर आपको नहीं रखने तो यहां से आके रिमूव भी कर सकते हैं। ओके, अच्छा कस्टमाइज कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपको ओपन का भी ये ऑप्शन यहां पे चाहिए तो यहां पे आके आप सिलेक्ट कर देंगे। देखिए ओपन का आ रहा है, फाइल ओपन करना, सही है। इसी तरह से अगर आपको इन सारे ऑप्शन में से नहीं चाहिए तो यहां से मोर कमांड में जाएं और मोर कमांड से जाके आपको और जो है बहुत सारे मेन्यूज मिल जाएंगे जो आपको पसंद हो, यहां से सिलेक्ट करो, ऐड करो और ओके कर दो। तो देखिए यहां पे पिक्चर शो हो रही है, कौन सा क्लियर? या आपको जिस मेन्यू में जाना है, जहां पे जिस भी टैब में जाओ वहां पे जाके राइट क्लिक करो, यहां से आके क्या कर दो, ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार। कौन सा क्लियर? तो वो चीज आपको क्विक एक्सेस बार के अंदर शो हो जाएगी। ये देखिए शो हो रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसी तरह से आप यहां से आके रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए आ रहा है रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक हो गया। ओके, उसके बाद हमारे पास ये जो पूरा मेन्यू है जिसमें फाइल, होम, इंसर्ट ये शो हो रहा है, इसको मेन्यू बार या टैब बार कहा जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? फिर हर मेन्यू का या हर मेन्यू बार के अंदर ये जो आपके टैब हैं जिसको होम, इंसर्ट, पेज लेआउट कहा जाता है, इनके यहां पे जो बाकी ऑप्शन शो हो रहे हैं इनको ग्रुप्स कहा जाता है या ऑप्शंस कहे जाते हैं। ये जो आपको शो हो रहा है ना पेज सेटअप, ये ग्रुप है, ये थीम्स ग्रुप है, स्केल टू फिट ये भी ग्रुप है, बाकी जो आपके हैं वो आपके मेन्यू कहलाते हैं, ऑप्शन कहलाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? इस रिबिन को यहां से आके डबल क्लिक करेंगे तो ये हाइड भी हो जाती है इस तरह से। कॉन्सेप्ट क्लियर? यानी किसी भी मेन्यू के ऊपर डबल क्लिक करो वो आपकी रिबन शो भी हो जाएगी और हाइड भी हो जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर? कभी कभार आप क्या करते हो, फॉर एग्जांपल मैंने इसको हाइड किया होता है, आप इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, कोई चीज आपने इंसर्ट की इस तरह से, ओके किया, इंसर्ट करने के बाद वापस वो आपकी रिबन हाइड हो जाती है ना। तो इस सिनेरियो में आप बेहतर ऑप्शन ये कि डबल क्लिक कर ले यहां पर, आपकी ये क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर? या MS Excel 2016 के अंदर यहां से आके देखें, ये आपको शो रहा था जिससे आप क्या कर सकते थे, हाइड कर सकते थे, ये वाला ऑप्शन आ रहा है, देखें यहां से क्लिक करोगे हाइड भी हो जाएगी, शो हो जाएगी। वरना इसकी शॉर्टकट की क्या बता रहा है, कंट्रोल प्लस F1, इससे रिबन को शो भी कर सकते हो, इससे रिबन को हाइड भी कर सकते हो। कौन सा क्लियर हो गया? उसके बाद हमारे पास ये जो चीज शो हो रही है इसको हम कहते हैं नेम बॉक्स। ये शो हो रहा है, ये किसका नेम होता है, जो भी सेल आप सिलेक्ट करते हैं उसकी एड्रेस या उसका नाम यहां पे शो होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? उसके बाद जो भी आपको फार्मूला लिखना है इस सेल के अंदर, यहां तो सेल में फार्मूला लिखो या आपको फार्मूला सेल पे क्लिक करो, यहां पे आके फार्मूला लिख सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा फार्मूला लगा के दिखा देता हूं कि मेरे पास 12 और 12 दो वैल्यूज है, मैं इस सेल के ऊपर फार्मूला लगाना चाहता हूं, सही है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, सेल पे क्लिक किया, फार्मूला बार के अंदर जाके इज इक्वल टू SUM सम और इन दोनों को मैं सिलेक्ट कर लूंगा और फिर ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर कर दूंगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? और वापस से जब भी मैं सेल में क्लिक करूंगा तो उसका फार्मूला मुझे यहां पे फार्मूला बार के अंदर शो हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसी तरह से आपके पास ये जो आपको शो हो रही है ये आपके किसकी है, कॉलम्स की हेडिंग है, ये जो आप लिख रहे हैं ना ये कॉलम कहलाता है, ABCDEF, राइट? आपको बिल्कुल लास्ट कॉलम पे जाना है तो यहां से आके कंट्रोल प्लस राइट एरो, जो एमएस एक्सेल का लास्ट कॉलम है ना वो ये है। कौन सा क्लियर? कंट्रोल प्लस राइट एरो लगाएंगे, राइट एरो है ना कीबोर्ड के अंदर, तो आप बिल्कुल लास्ट कॉलम पे चले जाएंगे। कौन सा क्लियर? फिर कंट्रोल प्लस बिल्कुल जो बॉटम एरो है, सही है, बॉटम एरो को प्रेस करेंगे तो आप बिल्कुल लास्ट रो पे चले जाएंगे। देखिए टोटल रोज कितने हैं, 10,48,576। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो इस तरह से, और आपको वापस जाना हो कंट्रोल प्लस टॉप एरो। कॉन्सेप्ट क्लियर है? इस तरह से
उसके बाद हमारे पास ये जो सारी चीजें हैं ये हो गई। उसके बाद ये जो आपको शो हो रहा है ये हमारी शीट के लिए एक बार होता है, और यहां से आके कोई भी शीट आप इंसर्ट कर सकते हो प्लस पे क्लिक करके, सही है। किसी शीट को डिलीट करना राइट क्लिक करके यहां से आके डिलीट कर सकते हो, सही। अगर आप प्लस पे नहीं क्लिक करना चाह रहे तो यहां से आके राइट क्लिक करोगे, यहां से इंसर्ट भी आ रहा है, तो एक जो है शीट और भी ऐड कर सकते हैं। देखें आ रही है, शीट ऐड करनी है, चार्ट ऐड करना है, या एक्सेल हमारी 4.0 के मैक्रोस शो इंसर्ट करने हैं, या कोई डायलॉग बॉक्स इंसर्ट करना है, कौन सा क्लिक। हाँ सही है, क्योंकि ये देखें आपका क्या है, किसी बुक के अंदर पेजेस होते हैं, ये आपका देखो इसका टाइटल क्या आ रहा है, बुक टू। तो जब आप एमएस एक्सेल की फाइल सेव करते हैं वो एज अ बुक होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर। और उसके बुक के अंदर जो हमारी मल्टीपल शीट्स होती हैं वो एज अ बुक के पेजेस होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ये बुक है और शीट्स एज अ क्या है, हमारे पेजेस है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो मल्टीपल शीट्स आप यहां पर मेंटेन कर सकते हैं, फिर किसी शीट का नाम चेंज करना हो राइट क्लिक करके रीनेम कर सकते हो, यहां पर आके उसका नाम कुछ भी रख सकते हो, मैं रख देता हूं कुछ भी, कॉन्सेप्ट क्लियर। उसके बाद मैं यहां पे आके राइट क्लिक करूंगा और यहां पे आके मूव और कॉपी, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑलरेडी कोई शीट है जिसपे बहुत सारा डेटा लिखा है, फार्मूला भी लिखे हुए है ना, मैं चाहता हूं उसी पूरी शीट को कॉपी करके दूसरी शीट बनाई जाए, तो हम क्या कर रहे होते हैं, सिलेक्ट किया, कॉपी किया, फिर दूसरी शीट न्यू बनाओ, फिर पेस्ट करो, है ना। तो इस तरह से मत करें, जो शीट आपके पास ऑलरेडी है, फॉर एग्जाम्पल ये है, मैं इसकी दूसरी कॉपी बनाना चाहता हूं ना, मैं क्या करूंगा राइट क्लिक करके क्या करूंगा मूव और कॉपी। तो ये पूछेगा क्या करना चाहते हैं, शीट वन को क्या करना चाहते हैं, मैं चाहता हूं क्रिएट अ कॉपी, इसको चेक करना जरूरी है। और जैसे मैं ओके करूंगा, देखें इसने शीट वन को कॉपी करके दूसरी शीट बना दी मेरे लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है। यानी उस पूरी शीट के अंदर जितने भी फार्मूला जितना भी डेटा था उसको कॉपी करके दूसरी शीट बना ली विथ ऑल द डेटा विच वॉज इन प्रीवियस शीट। उसके बाद हमारे पास राइट क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, व्यू कोड, व्यू कोड में आपकी और चीजें हो सकती हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हो शीट को, यानी यहां से पासवर्ड्स वगैरह दे सकते हैं। हमने पढ़ा था ना कि अगर शीट को सिर्फ पढ़ना चाहता है तो रीड ओनली भी कर सकते हो, अगर आप चाहते हैं पासवर्ड लगाना कि ओपन ही ना हो शीट तो आप वो भी लगा सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर। ये वर्ड वगैरह के अंदर हमने किया वरना हम अलग से पढ़ेंगे। फिर टैब के कलर, ये जो टैब शो हो रहा है ना इनको कलर्स भी दे सकते हैं, राइट क्लिक किया यहां से आके आप टैब का कलर जो आपको बेहतर लगे दे सकते हैं, इस तरह से देखिए रेड शो हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है इस तरह से। फिर बाकी ऑप्शन जो भी है हाइड भी कर सकते हो आप यहां से किसी शीट को, कॉन्सेप्ट क्लियर। ये देखें हाइड हो गई, ये देखें अनहाइड भी कर सकते हो, देखिए शीट थ्री क्या थी, हाइड की थी ना हमने, यहां से आके शो भी कर सकते हैं, आगे देखें वापस, कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसी तरह से बाकी भी ऑप्शन जो है आपके, देखें सिलेक्ट ऑल शीट्स, यानी पूरी शीट्स, वरना क्या करते हैं हर बुक बुक के हर शीट में जाते हैं सिलेक्ट करते हैं ना अलग अलग से, अगर कोई ऐसा ऑपरेशन हो जो सारी शीट्स पे करना हो, आपकी 15,000 शीट्स हैं तो सारी शीट्स को एट अ टाइम यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। चले मैं करके दिखा देता हूं, ये शीट सिलेक्टेड है नहीं है, मैं यहां पर आता हूं ये सिलेक्टेड है नहीं है, इस तरह से मैं क्या करता हूं राइट क्लिक करके सिलेक्ट ऑल शीट्स करता हूं, देखें सबकी सब सिलेक्ट हो चुकी है, यहां पे देखो कॉन्सेप्ट क्लियर है इस तरह से। फिर इंसर्ट करना डिलीट करना सारी चीजें बता चुका हूं। ये जो है स्टेटस बार है, ये जो रेडी लिखा हुआ ना यहां पे, यहां से आप चूज करते हैं कि हमारे पास अभी जो लेआउट हमारा शो हो रहा है एक्सेल की शीट का नॉर्मल है, दूसरा कौन सा पेज लेआउट, तो पेज लेआउट का लुक थोड़ा सा चेंज होता है इस तरह से होता है, ये देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर है, जैसे एमएस वर्ड के पेजेस होते हैं ना उस तरह से लुक के इसका, किसका जो हमारे पास ये देखें श्योर है ना, पेज लेआउट वहां पे होता था नॉर्मल, वहां पे पेज लेआउट हुआ करता था एमएस वर्ड के अंदर, सही है। और यहां पे नॉर्मल कुछ ये वाला सिनेरियो है, कॉन्सेप्ट क्लियर है ठीक है। और लास्ट हमारा जो है कौन सा, पेज ब्रेक प्रीव्यू, तो यहां पर कुछ इस तरह से दिख रहा था ये कुछ इस तरह से, यानी डिफरेंट लेआउट है जिस लेआउट में आप देखना चाहें, सही है। जैसे YouTube का वीडियो होता है ना उसके तीन स्क्रीन होते हैं, छोटी स्क्रीन फिर थोड़ी बड़ी है ना, फिर समझ ले बहुत बड़ी, लेकिन यहां पे थोड़ा इफेक्ट के साथ कुछ सिनेरियो भी चेंज हो रहा है, एग्जैक्ट वो चीज नहीं है। लेकिन एक और चीज है, मैं यहां पे आता हूं, यहां पे आके मैं अनसिलेक्ट या अनग्रुप करता हूं सारी शीट्स को, पहले अनग्रुप करेंगे क्योंकि सारी मर्ज हो चुकी है, यानी एक साथ सिलेक्ट हो चुकी है। तो इसके साथ मैं यहां पर आके क्या कर देता हूं, इसको नॉर्मल लेआउट में लाता हूं। और एक और चीज है,
कि मैं यहां पे आके फॉर एग्जांपल कोई चीज लगाता हूं, जैसे मैं इस पे टाइप कर रहा हूं क्या आ रहा है, एंटर। ये स्टेटस बताता है किसी भी सेल के ऊपर जो आप राइट कर रहे होते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, इस तरह से होता है। तो एक्चुअल में ये हमारा ओवरऑल इंटरफेस था किसका, एमएस एक्सेल का। जो हम जब भी एक्सेल के साथ काम करना शुरू करते हैं तो हमें आइडिया होना चाहिए कि हमारी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर कौन से मेन्यूज कहां मिलते हैं और मेन्यूज का काम क्या होता है और ओवरऑल। ठीक है, तो हम बाकी चीजों को वन बाय वन कवर करते हैं।